शिवरात्रि आने वाली है 18 तारीख को। सच्चा शिव भक्त उस दिन भांग नहीं पिएगा, जो गलत शिव भक्त होगा वो भांग पिएगा। महाशिवरात्रि के निमित्त कोई भांग पीने की महिमा नहीं होती, कोई गांजा धतूरा मादक द्रव्य सेवन करने की महिमा नहीं होती। महाशिवरात्रि इस साधना की रात्रि है, उपासना की रात्रि है, ये मौन की रात्रि है, योग की रात्रि है। मैं काशी में गया था तो लोग महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती के विवाह महोत्सव मना रहे थे। अरे मूर्खाओ, महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती विवाह का महोत्सव? किसने कहा आपको? मैं महाकालेश्वर गया तो महाकालेश्वर में लोग महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती विवाह महोत्सव मना रहे थे। कितनी गलत फहमी, कितने गलत फहमी यार, कौन समझावे इन लोगों को। महाकालेश्वर सभी पुजारी मंडल को मेला में, कहते रोको, ये महाकाल महादेव की नगरी है और आप मौन होकर बैठे हैं, और महाशिवरात्रि की शिव पार्वती के विवाह का दिन है। महाशिवरात्रि भोग की रात्रि नहीं है, महाशिवरात्रि महायोग की रात्रि है। यह महाशिवरात्रि की महिमा है। इस दिन कोई नहीं गांजा धतूरा भांग की महिमा नहीं है। मैंने बहुत ग्रंथों में देखा लेकिन कहीं ऐसा मुझे नहीं मिला कि महाशिवरात्रि के दिन भांग पी जाए, गांजा धतूरा व्यसन किया जाए। नहीं नहीं, कभी नहीं। महाशिवरात्रि जितेंद्रिय रहो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, निराहार रहो, मौन रहो, ये महाशिवरात्रि की महिमा है। लोग महाशिवरात्रि के दिन भांग पीते हैं। मेरे महादेव के क्यों भांग का व्यसन है? इतनी इतनी बुराई कर दी, ये शमशान का देव है, शमशान की भस्म, मुर्दे घर में रहने वाला, गलत झूठी बात, भांग पीने वाला, गांजा धतूरा पीने वाला, व्यसनी देवता है। कहां कहां है भाई, कहां से सब कुछ आप लाई? शिव के बारे में दुनिया में इतना 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 गलत संदेश फैला कि शायद कोई अन्य देवताओं के लिए इतना गलत प्रचार नहीं हुआ होगा। मेरे महादेव का व्यसन गांजा धतूरा भांग का नहीं है।